WHO का स्टैंडर्ड डायबिटस 200 है, मगर ड्रग माफिया 140 पर बजिद है, जिसकी वजह से 80% लोग डायबिटस न होने के बावजूद दवाएं खाने पर मजबूर हैं, जिनसे ब्लड प्रेशर, सांस, मैदा, दिल की तकलीफ, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड के अद्वैत उम्र भर खाने का रास्ता खुल जाता है। हालांकि ये बीमारियां नहीं सिर्फ लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं। डायबिटस लेवल 200 है या 140, चलें तजिया करें कि हमारा जिस्म कौन से स्टैंडर्ड की डिमांड करता है। 140 डायबिटस रखने वाले 2 घंटे के बाद शदीद कमजोरी का शिकार हो जाते हैं, जबकि 200 डायबिटस रखने वाले 6 घंटे काम कर सकते हैं। अगर आपका डायबिटस लेवल 200 से जिस्मानी दर्दें और पेशाब की कसरत हो तो ये प्रोटीन की कमी की अलामत हैं, लिहाजा अपने गिजा में प्रोटीन लें न कि अद्वियात। प्रोटीन में मछली जो कि तली हुई न हो, या बकरे का गोश्त 250 ग्राम बालिग अफराद के लिए हैं। ये मकदारें तमाम मकदारें यहाँ पर बालिग अफराद के लिए हमने बताई हैं। या 4 से 5 अंडे जो कि उबले हुए हों, बशर्ते कि अंडों या गोश्त से कबल आपने फ्रूट अपने वजन के हिसाब से इस्तेमाल की हो। मसलन अगर आपका वजन 2 किलोग्राम वजन रखते हैं तो 1 सिफर का इजाफा करके इसको ग्राम में बदल लें। आपका वजन 100 किलोग्राम है तो 1000 ग्राम आपको फ्रूट खाना पड़ेगा। 1000 ग्राम फ्रूट खाएं या 2-3 सब्जियां मिलाकर सूप बनाएं। दिन में 2 या 3 बार खाने से कबल जरूर इस्तेमाल करें। फ्रूट नाश्ता करने से कबल 500 ग्राम सब्जियां दोपहर के खाने से कबल 500 ग्राम जरूर इस्तेमाल करें, या दोनों वक्त फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सब्जियां पसंद न हो तो आप फ्रूट इस्तेमाल करें। याद रहे कि फ्रूट और सब्जियां खाने से कबल अद्वियात की तरह काम करती हैं और खाने के बाद गिजा की तरह। याद रखें आपके ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का इलाज भी इसी मकदार में फ्रूट के इस्तेमाल में है। गोश्त न हो तो बादाम या अखरोट ले सकते हैं, मगर मकदार अहम है, जो 100 ग्राम हो, कम से कम भी 100 ग्राम हो। इस मकदार को दिन में 2 या 3 बार खा सकते हैं। इससे कम मकदार आपकी प्रोटीन की कमी दूर नहीं कर सकती। याद रखें अगर फ्रूट वजन के बराबर इस्तेमाल न किया हो तो प्रोटीन मसाइल पैदा कर सकते हैं, और अगर प्रोटीन की पूरी मकदार न ली तो फ्रूट मसाइल पैदा कर सकते हैं। यकीन करें कि ये तमाम लाइफस्टाइल बीमारियां हैं। आप अगर आज से अपना लाइफस्टाइल बदल लेते हैं तो इन अमराज की तमाम अद्वियात आपको 1 हफ्ते के अंदर अल्लाह तबारक व ताला के फजल व करम से छोड़नी पड़ेंगी। अगर WHO का स्टैंडर्ड 200 अपना लें तो पाकिस्तान में डायबिटीज टाइप 2 का जनाजा निकल जाएगा, जो कि 80% है। यानी 80% को डायबिटीज टाइप 2 है, जो बीमारी नहीं लाइफस्टाइल बीमारी है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलते तो आपको सारी ज़िंदगी डायबिटीज की अद्वियात खानी पड़ेंगी। बाकी 20% डायबिटीज टाइप 1 जो कि बचपन में होती है, अक्सर औकात उसमें इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अगर लाइफस्टाइल बेहतर करके अच्छी सेहत और इंसुलिन कम कर सकते हैं। अगर वो लाइफस्टाइल तब्दील करते हैं तो उनकी सेहत भी पहले से बेहतर हो सकती है और इंसुलिन का मकदार भी कम कर सकते हैं, अगर वो भी अपना लाइफस्टाइल तब्दील करें तो। अजीज साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित हुआ होगा।